हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का नीति व्लॉग में स्वागत है। और आज बहुत ही अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, मसाला मैगी की, जो कि हमारे यहाँ जो एक बिल्कुल नया शेफ आया है हमारे घर में, वो ही शेयर करेगा। वो बहुत ही परफेक्ट बनाते हैं, और आप लोग चाहे तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कि कैसी बनती है ये और वो मैगी। मेरी फेवरेट वाली है, मेरी फेवरेट वाली ये है। रुद्रांश की फेवरेट है। और मैं उसका राजा हूं। मैं ओ ओ ओ ओ ओ ओ कैमरा ना गिर जाए, इसलिए थोड़ा हैंडल विद केयर। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम को, क्योंकि ये वाली जो रेसिपी है मुझे लगा कि आप लोग के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपसे पहले भी 3-4 बार कोशिश कर चुकी हूँ शेयर करने की, हम लोग भूल जाते हैं उसे रिकॉर्ड करना। तो आज जरूर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और आप लोग को जरूर दिखाएंगे। तो आप लोग इसे देखिएगा और उसके बाद। तो भाई मास्टर शेफ ने बोला प्रिपरेशन करने के लिए कि भाई टमाटर छोटे छोटे काट दो। टमाटर यहाँ कट गए हैं, ये यहाँ पे दो प्याज कट गई हैं। और मास्टर शेफ जी अब क्या करना है? अभी मैगी है, तो मैगी है इस लिफाफे को आप काट लो। काट लो या मैगी को आप उबलने रख दो? बिना काटे कैसे रख दोगे? पेपर के साथ ही रख दोगे? ऐसे नहीं अच्छा बनते अच्छा मैक्सर से। ये मास्टर शेफ कहाँ से आए हैं? जरा गैस करो भाई, ये मास्टर शेफ कहाँ से आए हुए होंगे? जरा सा सब गैस करें। देखिए जरा मास्टर शेफ, ओह माय गॉड, मुझे लगा कि आज संजीव कपूर आया हमारे घर में मैगी बनाने के लिए। नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि जहाँ तू है मैं वहां नहीं आ सकता। भाई मुझे डर लगता है, ओ उन्हें एम्बैरेसमेंट होती है, एम्बैरेसमेंट होती है, कहीं उनको नीचे ना देखना पड़ जाए। नीचे ना देखना पड़ जाए। तरक्की करना पड़ता है। तो मास्टर शेफ जी प्लीज बताएं कितने बंदों की आप मैगी बना रहे हैं और कितनी मैगी यूज वो कर रहे तो हैं? सब ठीक है, लेकिन मेरे से बिना पूछे तू गैस कैसे ऑन कर देती है? गैस हो जाती है ऑन भाई, आपको मैगी उबालनी नहीं है? इसलिए तुम जैसे लोगों को ना नौकरी पर रखने से पहले 3 बार सोचता हूँ। पर रहन दो। तो अरे मैगी थोड़ी तोड़ के रख लो, वरना किसी के हिस्से में ज्यादा आती है, किसी में कम आती है। कितने बंदों की आप मैगी बना रहे हो आज? देख लो मैं जिसका पेट भर जाए, मुझे तो अपने से मतलब है। 5 लोगों के लिए मैगी बना रहे हो और आपने 4 मैगी ली है ना? मैंने लिया है, अबे खरीद कर तू लाई, मैं तो बना रहा। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि इस तरीके से भी अच्छी बनेगी, है ना? वहां पे इतनी देर से वेट करते रहे हम बाहर बैठ के, मैं और रुद्राज ठंड में हमारी किड़ी किड़ी बन गई। ओहो, 4 मैगी लाने के चक्कर में आहा, घुसी थी एक मेरे कादों में, निकली दूसरे मेरे कादों से। देखा, इसीलिए कहते हैं जादू, जादू औरतों का जादू होता नहीं, है। इसीलिए कहता हूँ औरतों के साथ कभी शॉपिंग पे मत जाओ, जादू होता है औरतों का जादू। हाँ भैया तुम भी दिल की निकाल लो, तुम्हें भी अंदर भी DNA है अपने पापा का मैगी बनाने का। तुम ब्रूसली। ब्रूसली। मास्टर शेफ ये बताओ कि मैगी में अब क्या होगा? हमें तो है मास्टर, मैगी में अभी उबाल आएगा। पानी ये यहाँ पे आपने रख दिया है आधा, ऑयल भी ऐड करना होता किया तुमने? जी नहीं, आपने बोला ही नहीं तो मैंने ऐड। लेके तो आ जाते हो जी, हमें सब काम आता है, छोटे छोटे काम बताने पड़ेंगे फिर। चलो तो डालो, डालना क्यों नहीं ये, डालना क्यों नहीं ये, डालते हैं। डालो भाई मैगी, क्या नाम मास्टर शेफ, कितना डालना है ये ऑयल? 2-4 बूंद, जिससे कि जो मैगी है वो तो चिपके ना। ये 2-4 बूंद तो नहीं लग रहा है, नाप ले फिर। क्या पापा, ले क्या? बेचारी चाय उबल उबल के पागल हो गई है। उबल के तो पता नहीं, किसी बातें सुन सुन के जरूर पागल हो गई होगी। ओह, इससे बड़े तो मैं किसी के पेट में चली जाऊं। ओह, अब पानी गर्म हो चुका है, तब थोड़ा मार दो पानी पे, मतलब मैगी भी ला दो इनमें। अच्छा, उबलने के लिए डाल दो, है ना? 2 मिनट मैगी, वो तो भाई लिखता है 2 मिनट। मुझे कोई बता दो किसी की 2 मिनट मैगी बनी हो आज तक, कि मैं उसे वीरता पुरस्कार दे दूं। वीरता पुरस्कार। और ये भाई ऐसे टूटी भी आई नहीं थी ना, तोड़नी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और ये यहाँ की मैगी है, ये इंडिया की वाली नहीं है मैगी, पर वो भी अच्छी बनती है। जादू वही ले आएंगे हम इसे, हैं जादू तेरी नजर। गाना नहीं है, गाते काम खराब हो जाता है। क्यों? ध्यान हटता है ना फिर। ओहो, मैगी बनाना एक तपस्या है। तपस्या? कौन से उस पे तपस्या कर रहे हो आप, हिमालय पे जाके या? पहली पहली बार बलिए, दिल गया हार बलिए, रब मैनु प्यार हो गया। मैगी खानी, छितर खाने। काम करते रहते हैं हस्बैंड वाइफ और रील भी बनाते रहते हैं।
बताओ ना। रील सब बना रहे, पैसे किसी के नहीं आ रहे। हाँ इंडिया में नहीं आ रहे, यहाँ पे आ रहे, इंडिया में आ रहे हैं बट यहाँ नहीं आ रहे। पैसा ये पैसा कैसा है, कैसा ऐसा है ऐसा। तुम्हारी मैगी उबल गई। तुम्हारी नहीं, हमारी। मैं तो शेफ हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ। ओह माय गॉड, क्या ये उबल गई है? पूछ ले इससे। मैगी बोलो, तुम उबल गई हो? चुप रह तू, मास्टर शेफ से बात करूंगी मैं। नहीं देखो, अभी इसमें है कड़कपन, इसकी अकड़ अभी तक निकली नहीं है। तो जब तक मैगी की अकड़ ना निकल जाए तब तक उसे खाने में फायदा नहीं है। ओए, तो भाई मैगी अपने उफान पे आ चुका है, मैगी का पानी। और अब जो छोटा मोटे काम जो होते हैं, जैसे छानने वाले या अलग करने वाले, मैं अपने असिस्टेंट को दे देता हूँ। इसलिए क्योंकि जले और फूके मरे तो असिस्टेंट मरे। सही बात है, मेरे देश को बहुत जरूरत है। भाई मैं मरे तो असिस्टेंट ही मरे। चलो खैर फालतू की बात नहीं, भाई इसे ऐसे छान लेना है, पूरा पानी इसमें से निकल जाए, और इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए अलग से रख देना है। कर लिया तूने? अब इसके बाद हमारे महाराज जी डालेंगे क्या? डालने से पहले ना चेक करना पड़ता है कि लेवल का गर्म हुआ है नहीं हुआ है। तो उसमें पहले एक ऐसे डाल दो प्याज। हाँ तो अभी महाराज जी ने डाल दी है प्याज। प्याज कट चुकी है, प्याज डल चुकी है। भाई मैगी मसाला जो है, जो ड्राई मसाला मैगी होती है, इसमें जो सारा खेल जो है ना बेसिकली वो प्याज का है। ओके अब आप लोग कहोगे प्याज का क्या खेल है? तो प्याज का खेल यह है कि इसे सही लिमिट पे ना गुलाबी होना चाहिए। अगर प्रॉपरली ढंग से गुलाबी नहीं हुई, ना ज्यादा ना कम, तो फिर बोले बोला 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 छोटा बिल्ला भी बोला। टू रुपीज पीपल भी रहते हैं पीछे से बोलने। मैं भी बोला, छोटा बिल्ला भी बोला। वरना रोज मैं ही रहती हूँ इस किचन के अंदर। तो तुझे आप पहन नहीं हो रहा है, ये करछी मेरे हाथ में आ गई। अरे मैं तो चाहती हूँ रोज आज कूद कूद के कह रही है कि आज कौन आ गया इतना महान शेफ इस किचन के अंदर। ओहो बेचारी प्याज ना उग चुकी थी रोज, ये की चेहरा देख देख के। ऐसे संवाद में सुनने को नहीं मिलता ना रोज। तभी आप एक बार में चार पाँच पाँच रोटियाँ खाते हो, है ना? मैं अगर खाना बेकार बनाऊँ तो भाई आदमी सुबह शाम झाड़ू पोछा लगाऊंगा घर का, कपड़ों की तह करेगा, प्रेस करेगा, बच्चे के नैपी चेंज करेगा, और अपनी जॉब पे भी जाएगा, तो फिर तो उसे खाना तो चाहिए भाई। ओ सारी मेहनत आप करते हो, गुड। आया चमचा। हमारे पतिदेव का कहना है कि अब बिल्कुल करेक्ट बन रही है भाई। ये जो अब जितनी गुलाबी होगी ना, ये अब इसमें डाल देने मसाले। अरे मसाले निकाल जल्दी जल्दी, हूँ जल जाएगा मसाला। क्या क्या चाहिए इसमें भाई? सबसे पहले डाल तू थोड़ा सा धनिया पाउडर। उधर दिखा भाई धनिया पाउडर, कैमरामैन मुझे थोड़ा ही दिखाना है। ये इतना भर के थोड़ा सानी थोड़ा ही करनी, भैंस की थोड़ा सा डाल इतना। हाँ डाल। ओके आधी चम्मच। हाँ नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? हल्दी? हल्दी नहीं डालनी है इसमें, थोड़ा सा नमक डालो। अब लाल मिर्च नहीं चाहिए? नाम मात्र को भाई, बाकी अपना स्वाद अनुसार आधी से भी कम जो जितनी पचा सके उस हिसाब से डाल लेना। लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक। ये तो ऐसी रेसिपी आ रही जैसे फेसबुक में नमक भी तो डालो आ भाई, जाती नमक अपने हिसाब से। ये तो ऐसी रेसिपी आ रही जैसे फेसबुक में भी तो आ जाती है। थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला कितना? दो चुटकी, तीन चुटकी, चार चुटकी? हाँ मतलब वही अपने हिसाब से, थोड़ा सा इतना डाल लो भाई। और एक मैगी मसाला निकाल ले। एक निकाल। ओके चार आपने अलग काट के रखे। डाल 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 दे धनो, और साथ में ही इसके टमाटर भी मिला दो। ओके डाल दो। उधर ने मुझे फोन हैंड ओवर किया। अब इसको ढंग से इनका मिलन करा दो, जैसे बचपन में बिछड़े हुए भाई बहन हो। मसाला प्याज और टमाटर। और ये यहाँ पे क्या हो रहा था? ओ यहाँ पे क्या कर रहा था तू? ये वही चीज हो रही थी जो कि नॉर्मल लोग करते हैं। मैगी मसाला चाट रहा था ये। मैगी मसाले को जो ना चाटे ना, वो मैगी की तोहीन है। ओहो तो आपको गैस कितने पे करनी है? अब बढ़ा दो। मीडियम की हाई? नहीं भाई पे कर दो। ओके अब खाना भी तो खाना, आज ही खाना कल थोड़ा ही खाना। हाँ तो लेकिन प्लीज कढ़ाई को आप इसके ऊपर रखें।
तो अब वेट करना जब तक पूरे टमाटर गल जाए, है ना, जब तक पानी तेल ना छोड़ दे। पानी ना छोड़ दे। तो यहाँ पे अब हमने ले ली है सफल मटर। ये भाइयों ये है फ्रोजन मटर, तो इसको आपको लास्ट मोमेंट पे डालना है क्योंकि बहुत जल्दी गलती है। अगर आप नॉर्मल मटर यूज करो तो मैं पहले ही डाल सकते हो, लेकिन फ्रोजन को लास्ट में डालना। वाओ, मास्टर शेफ को पता है। अच्छा मास्टर शेफ को नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? बिरजू नाई को पता होगा। बिरजू नाई को तो बहुत कुछ पता है। तू बिरजू नाई है क्या? तेरी मम्मी। अच्छा। ये आई बिल्ली। आई एम द किंग ऑफ बॉलीवुड। अब इसकी ज्यादा वाट नहीं लगानी, थोड़ी देर अकेला छोड़ देना है जिससे आपस में बात करें, भाई बहन आपस में बात कर लें, बिछड़े मिले। इसी टाइम पे इसमें थोड़ा सा बटर यानी कि मक्खन डाल देंगे। इसका प्रयोग हमें बाद में भी करना है, तो अभी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। कैमरा पकड़, घुमाना भी तो है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो समथिंग ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे प्यार से, स्वावे स्वावे। खाना बनाना बच्चे को नहीं सुलाना। पता भाइयों ये चमचा इसके हाथ में क्यों गया? ताकि लास्ट में ना यूं कह सके इसमें मेरा क्रेडिट था 80% और अंकित का था 20%। मैगी लाया कौन? तो वो तो मैगी वाला लेके आया था ट्रक में भर के मेरे कहा था मैं फिर तो उसे देना चाहिए क्रेडिट। खरीद के तो मैं लाई ना। अब खोमचे वाले ने अपना चमचा ठा लिया है और खोमचा वाला चमचा घुमाएगा। खोमचे वाली अपनी बकवास बंद नहीं करती। लेकिन कुछ भी हो मैगी बहुत टेस्टी लगती है बनने के बाद। मैं टेस्ट करूं। भाई जोक सपाट कुछ भी हो लेकिन मैगी का टेस्ट तो A1 से भी ऊपर होता है। वो इसलिए कह रही है ताकि खाने के बाद लड़ाई ना हो। नहीं ऐसी बात नहीं है। कहता कवर करना। नहीं ऐसी बात नहीं है। आपने कितनी खिलाई मेरे को अड्डू के टाइम पे? जब अड्डू हुआ था तब कितनी खिलाई थी? भाई देखो अभी इसने जैसे थोड़ा थोड़ा पानी साइड में छोड़ना शुरू कर दिया। पानी नहीं तेल घी व्हाटएवर लिक्विड छोड़ना शुरू कर दिया है। ओके तो इसी समय पर हथौड़ा डालना है, मैगी मिक्स करनी है। तो कम कर थोड़ी सी ना पहले। ओके छोड़ दो, आप नहीं हैंडल कर पाओगे इसे। हमने तुझे हैंडल कर लिया, तो नहीं हैंडल करने के ना। बस तुम जैसा वही तो टू रुपीज पीपल। और आप आ चुके हैं, हाथ जल गए। तो भाई अब जैसे अंतिम स्टेज पे है, इसी टाइम पे हम लोग और मक्खन ऐड कर देंगे थोड़ा और, ताकि इसकी रूपरेखा और अच्छी आ जाए और उसमें टेस्ट आ जाए। और उसके बाद हम अपने अपने लीवर लेके बैठ जाएंगे। मक्खन मक्खन हमारा तो ऐसा कोई विचार नहीं है, तुम अपना देखो भैया। मुझे पहले दियो मेरा खाना। बेटा ले लेंगे, मिल जाएगा। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे खाना तुम्हें मैं एक ही टाइम खाना देते हैं। बहुत अच्छा लग जाता, मन कर जाता आज ही खा लूं मैगी। होमवर्क पूरा हो गया, निकल लो फिर आप। निकलने सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। अरे लग रहा है मैगी कह रही आज मेरा उद्धार कर दिया अंकित जी ने, मेरे जीवन सफल हो गया इस धरती पे आने का। कैसी लग रही रुदू मैगी? बहुत अच्छी, और 100 मिला नंबर, और 100 से भी और 100 मिलेंगे। और आप? अरे बेहतरीन, क्या लो। ओहो, और मम्मी आप? ये रिक्की सीमा, अभी तो आपने खाई नहीं, कहाँ से रिक्की सीमा हो गया? खाई दे रही ना, देखने से पता चल जाता है। ओहो, हाँ। आँख से, नाक से, सुन के और मुंह से। देखो भाई, ओहो, देखो अगर हम खाते नहीं है ना, हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका कलर बहुत अच्छा है। ये नहीं बना पीता। चलो मम्मी टेस्ट करो आप पहले। बिल्कुल पास से लिया जाएगा मम्मी के अंदर से, मम्मी बिल्कुल मुंह के अंदर तक घुसा के कैमरा। इतना सा खाया, इतना सा ही तो खाया, ढंग से खा के बताओ। बकरी चाय ले, चाय ही मिल जाएगी। भाई मेरे लिए एक पेलो दो ले। आया मजा सा मम्मी? मुझे डिलीशियस सा। चलो भाई अब हम लोग वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, और एंड करने के तो भाई चलो आज की वीडियो यहीं पे ही एंड करते हैं, और इसके साथ ही साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय।